मध्य प्रदेश के कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक मूड में है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाने का घेराव किया। साथ ही कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर अशोका गार्डन थाने तक पैदल मार्च किया। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि नर्सिंग घोटाले में घिरी प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेता जी को और उपनेता जी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्रों ने छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया, आज 3 साल से वे परेशान हैं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान हो क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, CBI को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाईकोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें CBI के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसकी कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो CBI पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष नेता जी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे, इसके मानसिकता और ये तरीका किसका है, ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर है, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था, ऊपर कहां जाता था ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी वो बताएंगे। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर CBI के करा पाए। कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नर्सिंग घोटाले की लड़ाई यहाँ के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूँ, और वहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ।